Subscribe to my channel and press the bell icon. हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आप लोग कैसे? सब ठीक ठाक? सब बढ़िया? आपका दोस्त सोमेन गोस फिर से प्रेजेंट हो गया. फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वाली पतंग उड़ाएंगे और ये कानपुर की पतंग है, बहुत अच्छी है. इससे काइट फाइटिंग करेंगे और अभी तो हम ट्रायल कर रहे हैं ये मोटी सद्दी से, और पीछे ये मोटी सद्दी लगाएंगे. और ये मांझा इसमें ये है फ्रेंड्स, मैं आपको दिखा देता हूँ कौन सा मांझा है. फ्रेंड्स, इसमें ये मांझा हमने 15 अगस्त से पहले लिया था और इससे काइट फाइटिंग करनी थी, लेकिन 15 अगस्त वाले दिन सिर्फ एक ही पेज चढ़ा पाए थे, तो फ्रेंड्स बारिश आ गई थी और ये चरखी भीग भी गया था. इसमें से कम कुछ नहीं तो एक रील मांझा उतारना पड़ा है हमारे को, गीला हो गया था ये चरखी फ्रेंड्स. और अभी भी थोड़ा बहुत इसमें सीलन था, लेकिन हमने इसको जो है धूप में रख रख करके इसको सुखाया है. देखते हैं कि अभी इससे काइट फाइटिंग हो पाती है कि नहीं. ए हट हट हट, तो फ्रेंड्स इसको हम लोग उड़ाते हैं और इससे ट्रायल करते हैं. पहले कानपुर की पतंग है फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छी है. वाह, बहुत ही अच्छी पतंग है फ्रेंड्स, जैसा लपक है इसके अंदर वैसी खींच है फ्रेंड्स. और पार भी पेज बहुत अच्छा लड़ेगा फ्रेंड्स, और छोटा भी लड़ेगा. ये कानपुर की पतंग है और बहुत फेमस कारीगर है कानपुर का, और देखते हैं आप लोगों को पता चल पाता है कि नहीं कि किस कारीगर का. अब इसको उतार लेते हैं फ्रेंड्स. ये हमने इसको उतार ली, इसकी ट्रायल हो गई. बहुत ही मस्त पतंग है फ्रेंड्स, बहुत ही मस्त है. और ये इसको हमने उतार लिया फ्रेंड्स. बार बार पीछे देखना पड़ता है, वो डॉगी बहुत ख़तरनाक है फ्रेंड्स. फ्रेंड्स देखिए, इसमें मांझा हम ये लगा रहे हैं, रेड कलर का मांझा है और बरेली लॉयन का मांझा है फ्रेंड्स. ये देखिए आप, इस पर लिखा हुआ है एजाज बैग बरेली लॉयन, और ये हमने 15 अगस्त से कुछ दिन ही पहले लिया था. और अब इसको जो है आज हम लोग काइट फाइटिंग करेंगे. उड़ी उड़ी जाए, उड़ी उड़ी जाए, दिल की पतंग देखो उड़ी उड़ी जाए. फ्रेंड्स, इसमें हम लोग 200 मीटर के करीब मांझा लगाएंगे और पेस लड़ेगा हमारा 300 से 600 मीटर के बीच में लड़ेगा. कुछ पेस पास लड़ता है, कुछ दूर लड़ता है, तो उस हिसाब से मांझा लगाते हैं. अब मैं DSLR कैमरा निकालने के लिए बोलूँगा कैमरामैन को. ये राइट लेफ्ट लेफ्ट चक्कर बहुत ही परफेक्ट है, तो राइट की भी चेकिंग कर लेता हूँ. राइट चक्कर भी बहुत ही परफेक्ट है, तो पतंग बहुत ही परफेक्ट है, कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं. अब ये काइट फाइटिंग करेगा फ्रेंड्स, मस्त. देखिए फ्रेंड्स, ये पेच लड़ने जा रहा है और मैंने लड़ाना है ऊपर से, और मैं हूँ राइट हैंड साइड पे, मेरा ओपोनेंट है लेफ्ट हैंड साइड पे. तो फ्रेंड्स ये ऊपर नीचे हो चुका है. काटा, वो देखिए फ्रेंड्स, काट दिया. उसकी पतंग जा रही है झूमती लहराती हुई बलखाती हुई. ज़बरदस्त गद्दा पड़ा फ्रेंड्स, ऐसा ज़बरदस्त गद्दा पड़ा उसको. देखिए उसकी पतंग उछलती कूदती हुई निकल गई फ्रेंड्स. जैसे ही मैं काटा बोलता हूँ, ये कुत्ता मेरे पीछे पड़ जाता है फ्रेंड्स. पता नहीं इसको क्या होता है, मेरे अगल बगल भागना शुरू कर देता है, बहुत ख़तरनाक तरीके से भागता है फ्रेंड्स. तो फ्रेंड्स आइए हम लोग इस पेज को डमी के माध्यम से समझते हैं, क्योंकि कई सारे जो न्यू सब्सक्राइबर्स हैं उनको जो है पेज वगैरह समझ में नहीं आता है, क्योंकि काइट फाइटिंग तो काफ़ी दूर हो रही थी. 300 से लेकर के 1000 मीटर तक की रेंज में काइट फाइटिंग होती है, तो बगैर डमी के समझाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो मैंने इसीलिए डमी लेकर के आया हूँ. फ्रेंड्स अभी जो ये पेज देखा आपने, इसमें मान लीजिए रेड काइट मेरी है, ओपोनेंट की ये ब्लू काइट है. तो फ्रेंड्स ओपोनेंट मेरे लेफ्ट हैंड साइड पर था और वो नीचे से आया था, और मैं राइट हैंड साइड से मैं ऊपर से आया था फ्रेंड्स. वो जब अंदर घुसा और अंदर घुसने के बाद उसने भीतर की चक्कर दी और मैंने भी इस तरह से भीतर की चक्कर दी, दोनों पतंग इस तरह से भीतर की चक्कर ले रही थी फ्रेंड्स. तो जब उसका मुड्ढा बन गया ना, तो फ्रेंड्स उसने क्या किया, खींचा. जब उसने खींचा तो मैंने ऐसे ऊपर चढ़ाया और यहाँ पर चक्कर दे करके मैंने पूरा एकदम नीचे तक जहाँ तक नीचे तक हो सकता था मैं गद्दा मारा, पूरा उसका नीचे तक गद्दा मारा और उसकी पतंग जो है उछल करके निकल गई. तो फ्रेंड्स ये था पेच.
देखिए फ्रेंड्स, फिर से लड़ने जा रहा है और मेरी पतंग ऊपर वाली है और ओपोनेंट नीचे से आ रहा है। ओपोनेंट लेफ्ट हैंड साइड पे, मैं राइट हैंड साइड पे। मेरी पतंग गोल गोल चक्कर ले रही है, जो ऊपर वाली पतंग है फ्रेंड्स मेरी है। यार डाउन ही नहीं कर रहा ओपोनेंट, ऊपर ही ऊपर आसमान में ही लड़ाना चाह रहा है फ्रेंड्स। काटा 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 फ्रेंड्स, काट दिया फ्रेंड्स, काट दिया। उसने पतंग चढ़ाने की कोशिश करी थी आसमान में, उसने चढ़ाने की कोशिश करी थी, उसने सोचा चढ़ा करके थपकी मार दूंगा, लेकिन मेरा बड़ा जबरदस्त गद्दा पड़ा, उछल करके निकल गया, जा रहा झूमता झामता। देखिए सीधा बरेली पहुंचेगा यहाँ से। तो चलिए फिर से हम लोग फ्रेंड्स इस पेज को भी डमी के माध्यम से समझते हैं। फ्रेंड्स इस बार ओपोनेंट दूसरा था, लेकिन अगेन वो लेफ्ट हैंड साइड से ही था। तो फ्रेंड्स ये ओपोनेंट भी इस तरह से, मैंने उसको नीचे से ही आने के लिए बोला और वो नीचे से आया फ्रेंड्स। तो यहाँ पे हम लोग जो है इशारे से बात समझाते हैं, क्योंकि छत तो काफ़ी दूर होती है, 100-200 मीटर दूर होती है एक दूसरे का छत। तो फ्रेंड्स हम लोग क्या है कि हमने अपनी पतंग ऊपर उठाई, ऊपर उठाई तो इसका मतलब मैं ऊपर से लड़ाऊंगा, और उसने पतंग अपनी डाउन करी इसका मतलब वो नीचे से लड़ाएगा। तो अगेन फ्रेंड्स वो लेफ्ट हैंड साइड को था, वो नीचे से घुस करके आया और मैंने ऊपर से अपना मुड्डा सजाया। तो फ्रेंड्स उसने भीतर का एक दो चक्कर दे करके फ्रेंड्स उसने जल्दीबाजी में जो है ऊपर खींच लिया, और मेरा डोर जो था नज़दीक था, तो मैंने क्या किया नीचे डाउन करके यहाँ पर थपकी मार दी फ्रेंड्स। ये थपकी मारने की वजह से उसकी पतंग कट करके निकल गई। ये था फ्रेंड्स ये पेज। फ्रेंड्स देखिए फिर से लड़ने जा रहा है, और जो ऊपर पतंग देख रहे हैं आप एकदम ऊपर चढ़ी हुई आसमान पे टंगी हुई है फ्रेंड्स, वो मेरी पतंग है और मेरे को ऊपर से लड़ाना है। और जो नीचे वाली पतंग है, नीचे वाली ओपोनेंट की, ओपोनेंट जो है फ्रेंड्स लेफ्ट हैंड साइड पे, मैं अगेन राइट हैंड साइड पे। फ्रेंड्स ये सबसे ज़्यादा लंबे रेंज का, आज का सबसे ज़्यादा लंबे रेंज का पेच लड़ रहा है फ्रेंड्स। ये ऑलमोस्ट 800 मीटर क्रॉस कर चुका है, और जो इससे पहले दो पेच लड़े हैं फ्रेंड्स वो थोड़े से छोटे पेच थे, 400 एंड 500 मीटर पे था फ्रेंड्स, लेकिन ये पेच बहुत लंबा हो चुका है, मैं काफ़ी चढ़ चुका हूँ उसके ऊपर फ्रेंड्स। काटा 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 काटा, काट दिया फ्रेंड्स, काट दिया काट दिया काट दिया। ये भी बहुत मस्त पेस था फ्रेंड्स। ये देखिए पतंग उसकी झूमती हुई जा रही है, लहराती बलखाती हुई जा रही है, और सीधा झुमरी तलैया में जाके गिरेगी फ्रेंड्स। पेस तो लड़ा दिल्ली में, लेकिन पतंग कट करके जाएगी झुमरी तलैया तक, ऐसा मैं सोचता हूँ। बहुत ही मस्त पेस था फ्रेंड्स, वो भी काफ़ी झोल में घुस करके आ गया था, और मैं भी काफ़ी उसके ऊपर चढ़ गया था फ्रेंड्स। वो देखिए दूर निकलती जा रही है उसकी फ्रेंड्स, लहराती बलखाती हुई। तो फ्रेंड्स अगेन हम लोग डमी के माध्यम से इस वाले पेज को भी समझते हैं, और इस पेज के अंदर भी क्या हुआ कि ये ओपोनेंट सेम था जिसका मैंने पहले पतंग काटा, वही ओपोनेंट था फ्रेंड्स। और अगेन वो लेफ्ट हैंड साइड से, मैं राइट हैंड साइड से, वो फ्रेंड्स नीचे से घुस करके आया, मैं ऊपर से चला फ्रेंड्स। उसने जो है अपनी मुड्डे को चेंज किया, चेंज करके इसने ये मुड्डा बनाया, और मेरा मुड्डा ये था फ्रेंड्स, और दोनों का ही मुड्डा बहुत अच्छा था। यहाँ पर पावर की जो थी, पावर का पेज था फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स मैंने क्या किया, जब वो खींच करके ऐसे निकला और मैं पूरा ऐसे करके जो है बाहर निकल करके गया, तो फ्रेंड्स मेरी पतंग जो बहुत स्ट्रांग थी, और कानपुरी पतंग है और बहुत स्ट्रांग पतंग थी फ्रेंड्स, वो काट करके निकल गई, और बहुत ही मस्त पेस था ये भी। नाची नाची चमक चमक, ओ नाची चमक चमक, डीजे पे ना गोरी नाची, नाची चमक चमक, ओ नाची। फ्रेंड्स देखिए फिर से पेच लड़ने जा रहा है, और इस बार मेरे को नीचे से लड़ाना है, ओपोनेंट को ऊपर से लड़ाना है फ्रेंड्स। नीचे वाली पतंग जो गोल गोल चक्कर ले रही है फ्रेंड्स मेरी है, और ओपोनेंट ऊपर से लड़ाएगा। मैं राइट हैंड साइड पे, ओपोनेंट लेफ्ट हैंड साइड पे है फ्रेंड्स, और ये रेंज अगेन छोटा हो गया, ये 400 मीटर पे आ गया वापस। पिछला वाला पेच बहुत दूर लड़ा था फ्रेंड्स, अब ये ऊपर नीचे हो गया फ्रेंड्स। वो भी काफ़ी चढ़ के आ गया फ्रेंड्स, मैं भी काफ़ी अंदर घुस चुका हूँ इस टाइम। टांग दिया टांग दिया टांग दिया टांग दिया टांग दिया टांग दिया टांग दिया, काट दिया काट दिया काट दिया फ्रेंड्स। आसमान में टांग करके छोटी छोटी थपकियां मारता रहा फ्रेंड्स, और उसका खींचने का जगह खत्म करके उसको काट दिया। वो देखिए लहराती हुई जा रही है उसकी बलखाती हुई, नागन डांस करती हुई जा रही है फ्रेंड्स उसकी पतंग।
सौरभ ध्यान रखिए उसके, ये डमी डमी के पास आ गया, डमी उठाने के चक्कर में है ये। सौरभ देखिए डमी को भौंक रहा है ये, इसको समझ में नहीं आ रहा है ये क्या चीज़ है, ये डमी को भौंक रहा है। तरीकी यार पागल हो गया ये साला, मेंटल है यार पूरा एकदम। देखो कैसे घूम रहा है, स्टंट करके दिखा रहा है फ्रेंड्स, और ये ना डमी से डर रहा है, स्टंट करके दिखा रहा है छत पे, और किसी दिन अगर नीचे गिरा ना इसकी हड्डी पसली सब टूटेगी। इस बार ओपोनेंट नीचे से लड़ाएगा और मैं ऊपर से लड़ाऊंगा। मेरी पतंग बहुत मस्त है फ्रेंड्स, पतंग है कानपुरिया और मंजा है बरेली का, बरेली लॉयन। और ये मांझा फ्रेंड्स एक बार गीला हो चुका था बारिशों में, लेकिन अब इसको सुखा करके लड़ा रहा हूँ। और ये मेरा सत्ते का पेच है फ्रेंड्स, ओपोनेंट नीचे से आ चुका है, मैं ऊपर से चढ़ चुका हूँ। अरे यार कट गया फ्रेंड्स, कट गया यार, सत्ते का पेच कट गया मेरा, बहुत ही बढ़िया जो है चढ़ा लिया उसने, और मैंने खड़े डोर पे जो है फ्रेंड्स गद्दा मार दिया, बहुत ही गलत पेच लड़ा दिया फ्रेंड्स मैंने, एकदम खड़े धार पे फ्रेंड्स मैंने गद्दा मार दिया यार, सत्ते का पेच था, ख़राब हो गया भाई सारा मामला। मेरी पतंग झूमती हुई लहराती हुई बलखाती हुई जा रही है फ्रेंड्स, यार बहुत अफसोस हो रहा है, सत्ते का पेच कट गया मेरा। फ्रेंड्स बहुत अच्छा पेच काट दिया, बहुत अच्छा पेच तो नहीं काटा फ्रेंड्स, अरे ये देखिए फ्रेंड्स, मांझा लगाया था 200 मीटर के करीब और देखिए आया है 2 मीटर, ये देखिए फ्रेंड्स सारा तोड़ लिया, ये देखिए। चलो शुक्र है सद्दी नहीं तोड़ा, सद्दी वापस आ गया पूरा, मांझा ही मांझा तोड़ा है, कोई बात नहीं, मांझा तोड़ ले तो कोई दिक्कत नहीं है फ्रेंड्स, सद्दी से बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है फ्रेंड्स। मैं आपको बताऊं उसने पेच बहुत अच्छा नहीं काटा, मेरे अंदर एक दहशत आ गई, आजकल बहुत ज़्यादा टेंशन में पतंगबाजी हो रही है मेरी फ्रेंड्स। ये जो इधर डॉग है ना फ्रेंड्स, इसने ना जीना हराम कर दिया फ्रेंड्स, मैं बताऊं कि पता नहीं पीछे भागता रहता है, धक्का दे देगा करके, वो फ्रेंड्स काटा तो नहीं अभी तक, लेकिन अगर धक्का दे देगा फ्रेंड्स छत से नीचे गिर जाए तो फ्रेंड्स बहुत ही दिक्कत हो जाएगी। तो फ्रेंड्स इसकी टेंशन की वजह से ना पतंग नहीं लड़ पा रहा है। तो चलिए फिर भी हमने 5 पेच काट दिया है, जिसमें से अब कैमरामैन बता रहा है शायद 1 पेच या 2 पेच ब्लर भी हो गया है, कोई बात नहीं, आजकल क्या है कि कैमरा थोड़ा सा पुराना हो जाता है तो उसका लेंस वगैरह चेंज होना मांगता है, तो उससे कई बार ब्लर हो जाता है। तो देखता हूँ कि कितनी सही आई, वो तो हम जब इसकी एडिटिंग करने बैठेंगे रात को पता चलेगा। तो चलिए फ्रेंड्स फिर भी मेरे इस वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, मेरे चैनल का नाम है काइट फ्लाइट सुमन। बहुत जल्दी हम आपको अगले वीडियो के अंदर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।